ओके जी, तो सामान हो गया है पैक, मैं हो गई हूँ रेडी। अब लेते हैं महादेव का नाम और करते हैं यात्रा की शुरुआत। ओके जी, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी। आज है 2nd of May। मैं हूँ देहरादून में। कल रात को मैं यहाँ पहुँच गई थी, स्टे कर रही थी एक हॉस्टल में ISBT के पास, क्योंकि मुझे आज बस लेनी है टुवर्ड्स गंगोत्री। और क्योंकि ये ट्रिप एकदम अनप्लान्ड है और एकदम इम्प्रॉम्प्टू है, बजट में होने वाला है, तो मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन से लेके खाने पीने के बिल से लेके सब कुछ, एंटायर रहने के लिए कितना कॉस्ट लगा, सब कुछ मैं आपको पूरा कॉस्ट वाइज बताऊंगी हर वीडियो में। तो यस, तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। यार ये तो हो गया यार, मत घूमो, यहाँ नहीं मिलेगी। बेटे वहाँ चले जाओ, परली साइड में वो गाड़ी खड़ी है, जा रही है ना रोड से, वहाँ गाड़ी खड़ी है। आप बताओ क्या ऑप्शन है हमारे पास उत्तरकाशी जाने के लिए? भैया बोल रहे हैं कि यहाँ से एक जगह है, क्या नाम है उसका, विस्पन्ना पुल, वहाँ से हमें मैक्स गाड़ी जो होती है छोटी वो मिलेगी। आइधर हम वो ले सकते हैं या फिर जागृति कह रही है, वैसे मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, बट हे सो हाँ, सो वी बोथ हैव फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग टुगेदर, थैंक्स टू इंस्टाग्राम कनेक्टेड, एंड हम दोनों साथ में जा रहे हैं, तो ये कह रही है कि एक्टिवा लेके चलते, बट हमारे पास लगेज काफ़ी है। ठीक है, फिर यहाँ से विस्पन्ना निकलते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लगेज हमको ये वाला ऑप्शन ही ऑप्ट करना पड़ेगा। हमारी ये गलती होगी कि उत्तरकाशी के लिए मैंने एक्चुअली ऑनलाइन चेक किया था, एंड ऑनलाइन देखो शोइंग की हर 1-2 घंटे में बसेस थी, बट हम जब यहाँ पहुँचे तो रियलिटी कुछ और है, मतलब नहीं है बसेस। सुबह मॉर्निंग में जाती है 5 बजे, अब हमें सिर्फ ऋषिकेश से मिलेगी, तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश जाने में 2 घंटा लग जाएगा और फिर वहाँ से पहुँचने में लग जाएगा और ज़्यादा टाइम। तो उत्तरकाशी के लिए कितना लगता है टाइम? 5 घंटे। उत्तरकाशी उत्तरकाशी के लिए कहाँ, कौन सी गाड़ी लगी? 35 प्लस किराया तो एक आदमी का मिनिमम तो 400 रुपये है। कितना? 400 रुपये। 400 रुपये एक आदमी का। 10 आदमी उसमें बैठेंगे। ये तो डिपेंड सवारी पे, हो सकता है 10 मिनट लग जाए, 2 घंटे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा नहीं। 10 लोग बिठाएंगे आपको, कैसे करना है? वो तो पता चला हमें, इसलिए हम यहाँ आए बस लेके। ओके एवरीबॉडी, तो फाइनली हम गंगोत्री के लिए जो है हम ये ट्रैकर ले रहे हैं, और जैसा कि आपने सुना भैया ने बोला 400 रुपये लेंगे पर पर्सन, बट एक प्रॉब्लम ये है कि ये जब तक पूरी भर नहीं जाती है तब तक ये निकलेगी नहीं, और ऑब्वियसली हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम आज ही एक दिन में देहरादून से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से गंगोत्री पूरा पहुँच जाएंगे, बट अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जागृति को कुछ काम आ गया था तो वो लेट हो गई, और फिर हाँ बहुत सारी चीज़ें थी, तो दैट्स वाई वी आर कवरिंग टुडे टिल उत्तरकाशी, और कल हम उत्तरकाशी से सुबह निकलेंगे गंगोत्री के लिए। तो ये थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी 3 लोग बैठे हैं, 7 more to go, क्योंकि 10 लोग जब तक नहीं बैठेंगे गाड़ी नहीं निकलेगी। वेटिंग टाइम आधे घंटे से ऊपर हो गया है अभी, आई थिंक कुछ हम 4-5 ही लोग अभी हैं सवारी। कैसे करिए, आज ही होगा ना? 4 या 5 हो गए तो चलो फिर दे देंगे ना, 2 हम लोग दे देंगे। दो करने देने, आपने एक ही देना है। हाँ ठीक है, चलो आप फिर, वो आदमी आएंगे उनके साथ। नहीं नहीं, 4-5 का मैं अकेले नहीं देती कोई, नहीं तो क्यों मैं इसमें जाऊंगी, गाड़ी पर चले जाएंगे। हाँ यार बहुत ही, अंकल जी चल लेते हैं अब, चलिए। अभी वो नहीं आए जिन की 3 सीट है, जो 3। अच्छा आए नहीं अभी तक, भाई जी बैठे कितनी देर में आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। कितनी देर में आ रहे हैं? बाइक से बारी-बारी आए ना। अरे भैया सामान और तो नहीं ऊपर देने का, कुछ ये सब नहीं रहेगा, ये सामान कुछ ऊपर। एंड फाइनली हमारी गाड़ी चल रही है, आफ्टर मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज्यादा हो गया ना। हाँ 1.5 घंटा, 1.5 घंटा हो गया। हम यहाँ पे 11:30 बजे से आए थे, फाइनली चल रहे हैं।
यार अंकल जी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर में पहुंचाएंगे, आधा ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। बीच में रुकोगे कहीं? हां कहीं चाय नाश्ता भी होगा ना, ठीक है निकल रहा है, कुछ खिला पिला देना बस बीच में। वो खाने पीने तो आप नहीं है, पहले जाना है। हां मतलब आप नहीं खिलाओगे वो हमें पता है, बट रुकवा देना। खिला देते ओ भगवान, चलो भाई हर हर महादेव से भगवान हमारे साथ रहना चाहिए। हां यही भगवान हमारे साथ रहना चाहिए, यही काम। हां सही बात है, खाना तो बनने ना आसान है। रोहतकी वैली, हाँ जी ये जगह है। अभी हमें और आई थिंक 80 किलोमीटर रह जाता है उत्तरकाशी। थोड़ी थोड़ी ऐसी अच्छी प्लेजेंट वेदर वाली ऐसी फीलिंग आ रही है, गर्मी से थोड़ा ऊपर आ गए। ओके जी, तुम्हारा खाना आ गया, बढ़िया इंडियन खाना। ये है कड़ी, सब्जी, दाल एंड रोटी एंड सम सैलेड टू एंड दिस जागृति क्रिएटर्स लाइफ। ₹80 की थाल का खाना अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मुझे जैसे देसी खाना पसंद है। फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। हम जाके हमको सबसे पहला काम करना है कि हमको स्टे के लिए कोई होटल देखनी है, दैट्स अ फर्स्ट टास्क। सेकंड खाने के लिए कुछ लेना है, ऐसे फ्रूट्स वूट्स वो लेंगे एंड देन या बाकी आपको अपडेट करेंगे। रात रात रुकना, सुबह 6 बजे, हाँ 5-6 बजे निकल जाएंगे हम। कमरा देख लेंगे पहले, जाओ तुम बैग का ध्यान रखो। मैं ना तो अरे मैं हूँ, जाओ नहीं है ऐसा, ये दे भूमि है, इधर ऐसा नहीं है इतना। आप यहाँ पे छोड़ दोगे ना सुबह आपको बैग आप यहीं पे मिलेगा। मिल गया है एकदम मेन रोड पे, जहाँ से सुबह हमें गंगोत्री के लिए गाड़ी मिलेगी ना, बस एकदम उससे वॉकिंग डिस्टेंस, 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो इट्स अ ग्रेट डील। और भैया 600 रुपये कह रहे थे, 400 रुपये पे हमने बोला उनको कि हम बजट ट्रैवलर हैं, मान गए, मिल गया। तो 200 ईच हमें लगेगा और सोने के लिए एक बेड है तो सही है। यहाँ पर वॉशरूम है विच इज़ ऑल्सो ओके, नाइस, नीट एंड क्लीन। तो यप आज की रात हम गुजारेंगे यहाँ पर उत्तरकाशी में। ओके एवरीबॉडी, तो हम वॉक करते करते यहाँ पे मार्केट है जहाँ पर हम फ्रूट्स लेने के लिए आए हैं, क्योंकि खाने की ऐसे भूख है नहीं है सच, क्योंकि हमने 4-5 बजे लंच किया था। तो अभी वी आर गोइंग टू यहाँ से, यहाँ देखें यहाँ पे है कुछ, आगे जा रही मैं, ठीक है आगे चलिए चलो। तो चलो फिर यहाँ पे है तो हाँ, आगे पीछे पर इतना खा पाएंगे पूरा कितने का सही रेट बता रहा है, लेते हैं ये ठीक लग रहा है मेरे को।
करना कितने का? दो किलो। हम चले एक पे चले। ये इधर से मिलती ना आगे से? दो के टेस्ट करनी है। तो हमारे डिनर के लिए हमने लिया थे फ्रूट्स और हम खा रहे हैं वाटरमेलन। ये खाकर ना हम सो जाएंगे। एडिटिंग भी करोगे? मन नहीं कर रहा है कुछ करने का।